हाउ आर यू, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पंकज फिजिक्स गुलाटी। स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे मैथमेटिकल फिजिक्स के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है गामा फंक्शन एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो स्टूडेंट्स, इससे पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था बीटा फंक्शन एंड इट्स प्रॉपर्टीज, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आखिरकार गामा फंक्शन क्या होता है, इसकी कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं और उन प्रॉपर्टीज को हम कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन। तो आप हेडिंग बनाएंगे गामा फंक्शन। गामा फंक्शन इज डिनोटेड बाय गामा एन। गामा फंक्शन को हम इस तरह से डिनोट करते हैं और इसको हम रीड करते हैं ऐसे, गामा एन। एन इज डिफाइंड बाय अ डेफिनेट इंटीग्रल एस। बीटा फंक्शन को भी हम एक डेफिनेट इंटीग्रल से रिप्रेजेंट करते थे, गामा फंक्शन को भी हम एक डेफिनेट इंटीग्रल से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो डेफिनेट इंटीग्रल की फॉर्म जो है वो कुछ इस प्रकार से होती है। गामा एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी एक्स की पावर एन माइनस 1 ई की पावर माइनस एक्स डीएक्स, वेयर एन इज ग्रेटर देन 0। तो इस डेफिनेट इंटीग्रल को हम बोलते हैं गामा फंक्शन। यहाँ पर अगर हम एन ले रहे हैं तो यहाँ पर x की पावर में n माइनस 1 आएगा, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। गामा फंक्शन इज ऑल्सो नोन एज सेकंड यूलेरियन इंटीग्रल। देखिए स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बीटा फंक्शन को हम फर्स्ट यूलेरियन इंटीग्रल बोलते हैं और गामा फंक्शन को हम बोलते हैं सेकंड यूलेरियन इंटीग्रल। तो अगर आपको कंपल्सरी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि व्हाट इज सेकंड यूलेरियन इंटीग्रल, तो उसमें आपने गामा फंक्शन को ही डिफाइन करना है। तो आइए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं गामा फंक्शन के कुछ एग्जांपल्स। अगर आपके पास इंटीग्रेशन दिया हुआ है 0 टू इंफिनिटी एक्स की पावर 4 ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, इस डेफिनेट इंटीग्रल को हम गामा फंक्शन की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। देखिए, यहाँ पर एन माइनस 1 है एक्स की पावर, यहाँ पर एक्स की पावर 4 है, तो एन माइनस 1 इक्वल टू 4 है, तो यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 5। तो यहाँ पर एन की वैल्यू 5 है, तो ये हो जाएगा हमारे पास गामा 5। और यहाँ पर देखिए, ये डेफिनेट इंटीग्रल है 0 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर 3 बाय 2 ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स, तो यहाँ पर एन माइनस 1 की वैल्यू जो है वो 3 बाय 2 है, तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 5 बाय 2। तो मीन्स कहने का मतलब ये है कि एक्स की पावर में जो भी पॉजिटिव इंटीजर दिया होगा उसमें आपको एक ऐड करके गामा के साथ लिखना है। यहाँ 4 है तो यहाँ पर आ जाएगा गामा 5, यहाँ पर 3 बाय 2 है तो यहाँ पर आ जाएगा गामा 5 बाय 2। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद हम देखेंगे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ गामा फंक्शन एंड देयर प्रूफ। तो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ गामा फंक्शन। तो आप हेडिंग बनाएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ गामा फंक्शन। पहली जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है गामा फंक्शन की, ये सबसे सिंपलेस्ट प्रॉपर्टी है, जो कि होती है गामा 1 इज इक्वल टू 1। इसको कैसे प्रूफ करेंगे, इसको प्रूफ करने के लिए हम डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन का सहारा लेंगे। तो आप हेडिंग बनाएंगे प्रूफ। बाय डेफिनेशन गामा एन जो होता है वो होता है इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर एन माइनस 1 ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स, जहाँ पर एन जो है वो ग्रेटर देन 0 होता है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन जो अभी हमने पिछले सेक्शन में देखी थी। हमें गामा 1 की वैल्यू फाइंड करनी है, मीन्स हमें एन की वैल्यू 1 लेनी होगी यहाँ पर। तो आप लिखेंगे पुट एन इज इक्वल टू 1, तो जहाँ जहाँ एन लिखा वहाँ वहाँ 1 पुट कर दीजिए। गामा 1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर 1 माइनस 1 ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स, एक्स की पावर 1 माइनस 1 बन जाएगा एक्स की पावर 0, और एक्स की पावर 0 होता है 1, तो आपके पास सिंपली रह जाएगा ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स। और ई की पावर माइनस एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा एक्स के रिस्पेक्ट में, वो ये होगा ई की पावर माइनस एक्स, नीचे एक्स का कॉफिशेंट आ जाएगा जो कि है माइनस 1, लिमिट्स आ जाएंगी यहाँ पर 0 टू इन्फिनिटी। इस माइनस को आप बाहर ले लीजिए और ई की पावर माइनस एक्स को आप ऐसे लिख दीजिए 1 बाय ई की पावर एक्स 0 टू इन्फिनिटी। तो पहले एक्स की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे तो आपको मिलेगा 1
अपॉन ई की पावर इन्फिनिटी, फिर माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे एक्स का जीरो पुट करेंगे तो आपको मिलेगा वन अपॉन ई की पावर जीरो। ई की पावर इन्फिनिटी होता है इन्फिनिटी और ई की पावर जीरो होता है वन। वन अपॉन इन्फिनिटी होता है जीरो और वन अपॉन वन होता है वन, तो आपके पास गामा वन की वैल्यू आ जाएगी माइनस इंटू माइनस वन वन। तो इस प्रकार से हमने प्रूफ कर दिया कि गामा वन की जो वैल्यू होती है ये वन होती है, और ये वैल्यू आपको याद रखनी है क्योंकि जो आगे प्रॉपर्टीज आएंगी वहाँ पर इस रिजल्ट का हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे। तो स्टूडेंट्स बाकी की प्रॉपर्टीज हम देखेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ गामा फंक्शन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और सेकंड प्रॉपर्टी जो है वो कुछ इस प्रकार से होती है गामा एन इज इक्वल टू एन माइनस वन गामा एन माइनस वन। तो इस प्रॉपर्टी को भी हम प्रूफ करेंगे बाय यूजिंग डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन। तो आप हेडिंग बनाएंगे प्रूफ, बाय डेफिनेशन गामा एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी एक्स की पावर एन माइनस वन ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर आपको एन माइनस वन आगे चाहिए प्रूफ में, तो हमें क्या करना होगा, इसका इंटीग्रेशन करना होगा बाय पार्ट्स रूल लगाकर। और यहाँ पर हमारे पास x की पावर n माइनस वन है, e की पावर माइनस एक्स है, दो दो फंक्शंस हैं। तो आइलेट के अकॉर्डिंग इनवर्स लॉगरिथमिक अल्जेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल, अल्जेब्रिक पहले आता है एक्सपोनेंशियल बाद में आता है। तो हमारा जो अल्जेब्रिक फंक्शन है x की पावर n माइनस वन वो हमारा फर्स्ट फंक्शन होगा u होगा, और जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है e की पावर माइनस एक्स वो हमारा सेकेंड फंक्शन v होगा। तो आप लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स गामा n इज इक्वल टू यू वी, अगर हमें इंटीग्रेशन करना हो इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स करना हो तो उसका फॉर्मूला ये होता है यू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ यू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स, साथ में डी एक्स होल इंटीग्रेशन का भी आता है। तो यही रूल हम यहाँ पर लगाएंगे, पहले हमारा यू एज इट इज रहेगा मीन्स एक्स की पावर एन माइनस वन एज इट इज रहेगी, इंटीग्रेशन ऑफ वी इसका इंटीग्रेशन क्या होगा ई की पावर माइनस एक्स का, वो होगा ई की पावर माइनस एक्स बाय माइनस वन, एक्स का कोफिशिएंट नीचे आ जाएगा। उसके बाद माइनस इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी डेरिवेटिव ऑफ यू, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस टू, और फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड जो कि होगा ई की पावर माइनस एक्स बाय माइनस वन, साथ में आ जाएगा डी एक्स। तो इस माइनस वन को हम बाहर ले लेते हैं, माइनस यहाँ पर आ गया एक्स की पावर एन माइनस वन, और ई की पावर माइनस एक्स को नीचे ले आते हैं ई की पावर एक्स हो जाएगा, जीरो टू इन्फिनिटी यहाँ पर आ जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, इस एन माइनस वन को हम बाहर ले लेते हैं, इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी एक्स की पावर एन माइनस टू ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स। तो स्टूडेंट्स अब हमें यहाँ पर लिमिट्स पुट करनी है, लिमिट्स पुट करते हैं, आइए देखते हैं क्या होगा। अब देखिए जब हम यहाँ पर अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये बनेगा एक्स जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे, एक्स जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये बनेगा इन्फिनिटी अपॉन ई की पावर इन्फिनिटी जो कि होता है इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन जाएगी ये, जो कि एक इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, जब हमें लिमिट्स के केस में लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है और यहाँ पर है हमारे पास एक्स की पावर एन माइनस वन बाय ई की पावर एक्स, तो ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है जो कि इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। और ऐसी लिमिट्स को सॉल्व करने के लिए हम सहारा लेते हैं एल हॉस्पिटल रूल का, उसमें हम क्या करते हैं न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करते हैं। तो आइए इनका डेरिवेटिव करते हैं, डेरिवेटिव करके आपको क्या मिलेगा एन माइनस वन आगे आ जाएगा, एक्स की पावर एन माइनस टू ऊपर आ जाएगा, और नीचे ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव होगा ई की पावर एक्स। तो जब हम यहाँ पर लिमिट्स पुट करेंगे इन्फिनिटी एक्स की जगह तो यहाँ पर भी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म मिलेगी, फिर दोबारा से हमें इंडिटर्मिनेंट फॉर्म मिलेगी, फिर दोबारा से डेरिवेटिव किया जाएगा। ये कब तक करते रहेंगे हम डेरिवेटिव, जब तक हमारे पास इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म खत्म नहीं हो जाती। और जब आप x की पावर n माइनस वन का बार बार डेरिवेटिव करते जाएंगे तो अल्टीमेटली आपके पास क्या रह जाएगा, आपके पास n माइनस वन फैक्टोरियल रह जाएगा ऊपर। x की पावर n माइनस वन का जो nth डेरिवेटिव होता है वो होता है n माइनस वन फैक्टोरियल, और e की पावर x का nth डेरिवेटिव e की पावर x ही होगा। तो जब आप यहाँ पर लिमिट्स पुट करेंगे तो आपको मिलेगा n माइनस वन फैक्टोरियल e की पावर इन्फिनिटी, और n माइनस वन फैक्टोरियल बाय इन्फिनिटी कॉन्स्टेंट बाय इन्फिनिटी जो होता है हमारे पास वो जीरो होता है, एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी इज जीरो। तो जब आप यहाँ पर अपर लिमिट पुट करेंगे इन्फिनिटी एक्स जगह इन्फिनिटी एक्स जगह इन्फिनिटी तो आपको जीरो ही मिलेगा, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। और जब आप लोअर लिमिट पुट करेंगे एक्स जगह जीरो और ई की पावर जीरो जीरो अपॉन वन जो है वो जीरो ही हो जाएगा, प्लस एन माइनस वन, और
ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा बाय डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन। देखिए यहां पर n माइनस वन था तो यहां पर n आ रहा था, n माइनस वन में एक ऐड करके यहां पर हम लिख रहे थे, तो n माइनस वन n माइनस टू में जब हम एक ऐड करेंगे तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा बाय डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन, ये बन जाएगा गामा n माइनस वन। तो आपके पास आ गया गामा n इज इक्वल टू n माइनस वन गामा n माइनस वन, काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर आपको गामा सिक्स को लिखना हो तो आप कैसे लिखेंगे, फाइव माइनस वन सिक्स माइनस वन सॉरी गामा सिक्स माइनस वन मीन्स ये आ जाएगा फाइव गामा फाइव, फाइव गामा फाइव। इसी तरह से आप गामा फाइव को फोर गामा फोर लिख सकते हैं, गामा फोर को आप लिख सकते हैं थ्री गामा थ्री, गामा थ्री को भी आप खोल के लिख सकते हैं। तो आपके पास अल्टीमेटली आ जाएगा फाइव फोर थ्री टू वन। इस तरह से आप गामा सिक्स की वैल्यू को बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी ऑफ गामा फंक्शन। तो बाकी की तीन प्रॉपर्टीज देखेंगे हम आने वाले सेक्शंस के अंदर। आइए स्टूडेंट्स बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर थ्री की, जो कि होती है गामा एन इज इक्वल टू एन माइनस वन फैक्टोरियल। अब इसे हम कैसे प्रूफ करेंगे, इसको हम प्रूफ करेंगे विद द हेल्प ऑफ सेकेंड प्रॉपर्टी, जिसमें हमने प्रूफ किया था कि गामा एन होता है हमारे पास एन माइनस वन गामा एन माइनस वन। तो इसके आपके हेडिंग बनाएंगे प्रूफ, वी नो दैट गामा एन इज इक्वल टू एन माइनस वन गामा एन माइनस वन, इसको फर्स्ट इक्वेशन दे देंगे। अब हमें गामा एन माइनस वन की वैल्यू चाहिए, वो हम कैसे निकालेंगे, अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में जहां जहां एन लिखा है वहां वहां एन माइनस वन पुट कर दे तो हमें गामा एन माइनस वन की वैल्यू मिल जाएगी। तो आप लिखेंगे रिप्लेस एन बाय एन माइनस वन इन वन वी गेट, जहां जहां एन लिखा है वहां वहां एन माइनस वन कर दीजिए, तो आपको मिलेगा गामा एन की जगह एन माइनस वन कर दिया इज इक्वल टू, इस एन की जगह एन माइनस वन करेंगे तो एन माइनस वन हो जाएगा एन माइनस टू, इस एन की जगह एन माइनस वन करेंगे तो यहां पर हो जाएगा एन माइनस टू गामा एन माइनस टू। ये होगी हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, इस गामा एन माइनस वन की वैल्यू को यहां पर पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में। तो आप लिखेंगे यूजिंग टू इन वन वी गेट, आपकी फर्स्ट इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड है गामा एन वो एज इट इज रहेगी, एन माइनस वन एज इट इज रहेगा। आपको सिंपली क्या करना है, गामा एन माइनस वन की जगह ये वैल्यू पुट कर देनी है जो कि है एन माइनस टू गामा एन माइनस टू, इसको हम दे देंगे थर्ड इक्वेशन। अब हमें गामा एन माइनस टू की वैल्यू चाहिए, वो हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में जहाँ जहाँ एन लिखा है वहाँ वहाँ एन माइनस टू से रिप्लेस करके हम गामा एन माइनस टू की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आप लिखेंगे रिप्लेस एन बाय एन माइनस टू इन वन वी गेट, जहाँ जहाँ एन लिखा है वहाँ एन माइनस टू कर दीजिए, गामा एन माइनस टू विल बी इक्वल टू एन की जगह एन माइनस टू करेंगे तो एन माइनस टू माइनस वन हो जाएगा एन माइनस थ्री, सिमिलरली यहाँ पर एन माइनस थ्री हो जाएगा गामा एन माइनस थ्री, हमारी फोर्थ इक्वेशन होगी। इस गामा एन माइनस टू की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए थर्ड इक्वेशन में। तो आप लिखेंगे यूजिंग फोर इन थ्री वी गेट गामा एन इज इक्वल टू एन माइनस वन एन माइनस टू, और इस गामा एन माइनस टू की जगह ये लिख दीजिए एन माइनस थ्री गामा एन माइनस थ्री। इसी तरह से आप गामा एन माइनस थ्री की वैल्यू निकाल सकते हैं, जहाँ जहाँ एन लिखा है वहाँ वहाँ एन माइनस थ्री करके, और ये काम आप बार बार कर सकते हैं। तो इस तरह अगर आप करते जाएंगे तो लास्ट में आपको क्या मिलेगा, कॉन्टिन्यूइंग लाइक दिस वी गेट, लास्ट में आपको जो गामा एन की वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है एन माइनस वन से हो रही है, एन माइनस टू एन माइनस वन है, फिर एन माइनस टू है, फिर एन माइनस थ्री है, डैडा डैश एन में से एक एक वैल्यू कम होती जा रही है, और एन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, कहाँ पर जाके ये ख़त्म होगा सीक्वेंस। एन जो है बाय डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन वो हमेशा ग्रेटर देन जीरो होता है, तो एन की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो वन होगी। तो लास्ट में आपको करते 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 ये सीक्वेंस जो है वो वन पर ख़त्म होगा, और यहाँ पर है गामा एन माइनस थ्री, यहाँ पर एन माइनस थ्री है, तो जो यहाँ पर है वही गामा के साथ यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अगर यहाँ पर लास्ट में वन बच रहा है तो यहाँ पर गामा के साथ वही चीज़ बचेगी, वही नंबर आपको यहाँ पर लिखना होगा, दैट इज़ वन। और हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी में देखा था कि गामा वन की वैल्यू जो होती है वो वन होती है। तो आपका अगला स्टेप क्या होगा, यहाँ पर आप गामा वन की वैल्यू पुट कर देंगे एन माइनस वन एन माइनस टू अप टू सो ऑन वन इंटू वन, वन इंटू वन क्या हो जाएगा वन हो जाएगा, और ये चीज़ क्या बन जाएगी, ये क्या बन जाएगा n माइनस वन एन माइनस टू अप टू वन, ये बन जाएगा n माइनस वन फैक्टोरियल। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिससे आप गामा फंक्शन को डायरेक्टली इवेल्यूएट कर सकते हैं। जैसे आपको गामा थ्री की वैल्यू निकालनी है तो गामा थ्री हो जाएगा आपके पास थ्री माइनस वन दैट इज टू फैक्टोरियल दैट इज टू इंटू वन टू हो जाएगा। गामा फोर निकालना है
तो वो हो जाएगा आपके पास 3 फैक्टोरियल, जो कि होगा आपके पास 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट इज 6। तो इस तरह से आप गामा फंक्शन की वैल्यू बहुत ही इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग थर्ड प्रॉपर्टी। तो बाकी की दो प्रॉपर्टीज हम देखेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स आइए बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में, जो कि है फोर्थ प्रॉपर्टी, गामा एन इज इक्वल टू के की पावर एन इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर एन माइनस 1 ई की पावर माइनस के एक्स डी एक्स, वेयर के इज अ कॉन्स्टेंट। तो इसे हम कैसे प्रूफ करेंगे, इसके लिए भी हम डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन का यूज करेंगे। तो आप हेडिंग बनाएंगे प्रूफ बाय डेफिनेशन, गामा एन जो होता है वो होता है 0 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर एन माइनस 1 ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। इस रिजल्ट को प्रूफ करने के लिए हमें यहाँ पे एक सब्सटीट्यूशन करना होगा, और वो सब्सटीट्यूशन होगा पुट x इज इक्वल टू के वाई, और k को यहाँ पर आपने कांस्टेंट लेना है। तो दोनों तरफ अगर आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन dx, k कांस्टेंट है, k ऐसी रहेगा, y का डिफरेंशिएशन dy। तो सब्सटीट्यूशन की है तो लिमिट्स भी चेंज होनी चाहिए। आइए देखते हैं लिमिट चेंज होती है कि नहीं होती ऑन सब्सटीट्यूटिंग x इज इक्वल टू के वाई। जब x की वैल्यू 0 होगी, जब x की वैल्यू 0 होगी तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, और जब x की वैल्यू इन्फिनिटी होगी तो y की वैल्यू भी इन्फिनिटी आ जाएगी। मीन्स ये सब्सटीट्यूशन करने पर यहाँ पर लिमिट्स पर कोई भी चेंज नहीं देखने को मिल रहा है। तो इस सबको हम सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। तो इस सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट में यूज करते हैं। तो आप लिखेंगे यूजिंग 2 इन 1 वी गेट गामा एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, लिमिट्स जो है वो चेंज नहीं होंगी, लिमिट जो है वो 0 टू इन्फिनिटी ही रहेंगी। एक्स जगह आपको पुट करना है के वाई, मीन्स के वाई की पावर एन माइनस 1 आ जाएगा, और e की पावर x है, e की पावर माइनस x है, और x है हमारे पास के वाई, और dx की जगह आपको पुट करना होगा के डी वाई। तो आप यहाँ पर लिखेंगे के डी वाई। आइए आगे बढ़ते हैं। गामा n इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी k की पावर n माइनस 1 अलग कर दिया, y की पावर n माइनस 1 अलग कर दिया, e की पावर माइनस के वाई एज इट इज है, इस k की पावर के ऊपर 1 लगा दिया dy। k की पावर यहाँ पर n माइनस 1 है, यहाँ पर k की पावर 1 है, तो n माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा k की पावर n, उसे हम बाहर ले लेंगे। अंदर आ जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी y की पावर n माइनस 1 e की पावर माइनस के वाई डी वाई। हमें आंसर x में लेके आना है, तो जहाँ जहाँ y लिखा है वहाँ वहाँ x कर दीजिए। गामा n इज इक्वल टू k की पावर n इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी x की पावर n माइनस 1 e की पावर माइनस के एक्स डी एक्स। क्योंकि हमें पता है डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी होती है ये, कि अगर इंटीग्रेशन a टू b है, एफ एक्स डी एक्स है, तो a टू b इंटीग्रेशन करने पर अगर हम x को किसी और वेरिएबल y में चेंज कर देते हैं तो इंटीग्रल की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता। वो प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर यूज़ की है। तो ये प्रॉपर्टी जो है, जो हमने फोर्थ प्रॉपर्टी प्रूव की है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। आइए एक एग्जांपल के थ्रू समझ के देखते हैं इसको। मान लीजिए स्टूडेंट्स आपको वैल्यू निकालनी है इस इंटीग्रल की, x की पावर 4, और यहाँ पर दिया हुआ है e की पावर माइनस 3x dx। तो इसकी वैल्यू आपने निकालनी है। तो इसकी वैल्यू जो होगी, अगर आप k की पावर n को नीचे कर देंगे डिनोमिनेटर में यहाँ पर, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, गामा n। यहाँ पर अगर 4 है, यहाँ पर n माइनस 1 है, तो 1 ऐड करके आपको लिखना होता है, तो ये हो जाएगा गामा 5 डिवाइडेड बाय k की पावर n। k की वैल्यू यहाँ पर 3 है, तो 3 की पावर n कितना है, वहाँ पर 5 है, तो गामा 5 आप निकाल लेंगे 5 फैक्टोरियल करके, n माइनस 1 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल करके, और 3 की पावर 5 भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस इंटीग्रल की जो वैल्यू होगी, इस डेफिनेट इंटीग्रल की, वो इसके बराबर होगी। तो इस प्रॉपर्टी का सहारा लेके आप इस प्रकार के डेफिनेट इंटीग्रल्स को बहुत ही चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी ऑफ गामा फंक्शन। तो बाकी की प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स हम देखेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स आइए बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, जो कि है प्रॉपर्टी नंबर 5, जो कि हमें कहती है गामा एन इज इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन 0 टू 1 लॉग 1 अपॉन वाई एन माइनस 1 डी वाई। यहाँ पर लिमिट ध्यान से देख लीजिए, ये 0 टू 1 है, ना कि 0 टू इन्फिनिटी। इसको हम प्रूव करेंगे अगेन बाय यूजिंग डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन। बाय डेफिनेशन गामा एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर एन माइनस 1 ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर x की पावर है n माइनस 1, यहाँ पर log 1 अपॉन y की पावर n माइनस 1 है। तो क्लियरली आपको पता चल रहा है कि हमने यहाँ पर क्या सब्स्टिट्यूशन करनी है। हमने x को
log 1 upon y पुट करना है, तो आप लिखेंगे put x is equal to log 1 upon y, log को इस तरफ लाएंगे तो ये एक्सपोनेंशियल बन जाएगा, e की पावर x is equal to 1 upon y, तो y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, दोनों तरफ रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 upon ex equal to हो जाएगा y, और 1 upon ex को हम ऐसे लिख सकते हैं e की पावर माइनस एक्स, तो दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन बोथ साइड्स ई की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन होगा माइनस ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स, और वाई का डिफरेंशिएशन हो जाएगा डी वाई, तो इस माइनस साइन को हम यहां पर कर देते हैं। तो यहां पर हमें लिमिट्स देखनी पड़ेंगी कि ये सब्स्टिट्यूशन करने पर लिमिट्स क्या चेंज होंगी कि नहीं होंगी। जब x की वैल्यू 0 होगी, जब आप यहां पर x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो e की पावर 0 जो है वो 1 हो जाएगा, जब यहाँ पर आप x की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी को आप ऐसे लिख सकते हैं e की पावर इन्फिनिटी 1 अपॉन e की पावर इन्फिनिटी क्या होता है, e की पावर इन्फिनिटी हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा 0। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि e की पावर माइनस इन्फिनिटी की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये सारी सब्स्टिट्यूशंस अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में कर दें तो हमें मिलेगा फ्रॉम 1 वी गेट गामा n इज इक्वल टू अब यहाँ पर जब 0 था x तो y कितना आया था 1 आया था, और जब x इन्फिनिटी था तो y क्या निकल के आ रहा है 0 निकल के आ रहा है। x को हमने क्या पुट किया है, log 1 upon y पुट किया है, पावर में है n माइनस 1, और इसकी वैल्यू क्या निकल के आई है e की पावर माइनस एक्स डी एक्स की, वो निकल के आई है माइनस डी वाई, तो यहाँ पर माइनस डी वाई आप लिख देंगे। तो अब आप क्या करेंगे, जब ये माइनस साइन को आप बाहर ले लीजिए, इस माइनस साइन को बाहर ले लीजिए, तो जब आप लिमिट्स रिवर्स कर देंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, गामा एन इज इक्वल टू हो जाएगा 0 to 1 लॉग 1 अपॉन वाई एन माइनस 1 डी वाई। तो ये हमने प्रूव कर दिया। यहाँ हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की है, ये प्रॉपर्टी यूज़ किया अगर ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है तो अगर आपको लिमिट्स इंटरचेंज करनी है बी टू ए करनी है तो यहाँ पर माइनस साइन आपको लगाना होता है, इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। तो माइनस साइन पहले से था, माइनस साइन लिमिट चेंज करने पर आया तो यहाँ पर प्लस हो गया। तो स्टूडेंट्स एक प्रॉपर्टी और रह गई है, वो भी आप कर लीजिए, वो भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, फिर ये टॉपिक जो है आपका खत्म हो जाएगा नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स आइए बात करते हैं लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ गामा फंक्शन के बारे में, जो कि है गामा एन इज इक्वल टू 1/n इंटीग्रेशन 0 to ∞ e की पावर माइनस एक्स की पावर 1/n dx। यहाँ पर है e की पावर माइनस एक्स की पावर 1/n, ध्यान से देख लीजिए इसको। तो इसे हम प्रूफ करेंगे अगेन बाय यूजिंग डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन। बाय डेफिनेशन गामा एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to ∞ एक्स की पावर एन माइनस 1 e की पावर माइनस एक्स डी एक्स, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। तो इसे प्रूफ करने के लिए आपको यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूशन करनी होगी, और वो सब्स्टिट्यूशन होगी पुट एक्स इज इक्वल टू वाई रेज टू पावर 1/n। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो ये 1/n पावर है, तो यहाँ पर ये पावर आके जो है वो n बन जाएगी, सो दैट x की पावर n इज इक्वल टू y, तो ये आ जाएगा हमारे पास। दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको मिलेगा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स n x की पावर n माइनस 1 dx इज इक्वल टू dy, n को नीचे भेज दीजिए यहाँ पर, तो x n माइनस 1 dx की वैल्यू आ जाएगी dy बाय n। तो यहाँ पर हमें देखना है कि क्या लिमिट या ये सब्स्टिट्यूशन करने के बाद क्या लिमिट्स पर कोई चेंज आएगा कि नहीं आएगा। When x is equal to 0, तो यहाँ पर जब आप x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, या यहाँ पर पुट करके देख लीजिए, यहाँ पर ठीक रहेगा, यहाँ पर करके देख लेते हैं। जब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू भी 0 आएगी। जब x की वैल्यू आप इन्फिनिटी पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, अगेन यहाँ से वो भी इन्फिनिटी आएगी। तो यहाँ पर भी लिमिट्स में कोई चेंज नहीं पड़ेगा ऑन सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू y रेज टू पावर 1/n। तो ये सब कुछ यहाँ पर अगर आप पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में तो आपको क्या मिलेगा, सो फ्रॉम 1 वी गेट गामा n इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to ∞। यहाँ पर पहले इसमें पुट करते हैं, ध्यान से देखिए, e की पावर माइनस एक्स है, e की पावर माइनस एक्स को आपने क्या पुट किया है, y की पावर 1/n पुट किया है, और ये x n माइनस 1 dx इसकी जगह आपको क्या आ जाएगा, इसकी जगह आपको क्या मिल जाएगा, ये देखिए x की पावर n माइनस 1 dx की जगह आपको मिल जाएगा dy बाय n। तो यहाँ पर आप dy बाय n पुट कर देंगे, इस n को आप बाहर ले लीजिए, 1/n 0 to ∞ e की पावर माइनस वाई 1/n dy। हमें आंसर जो है वो x में चाहिए, तो y को आप x में चेंज कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यू कैन चेंज वेरिएबल इन केस ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। तो ये आ जाएगा आपके पास प्रूफ ऑफ
सिक्स प्रॉपर्टी ऑफ गामा फंक्शन। तो स्टूडेंट्स ये था आपके पास गामा फंक्शन और उसकी प्रॉपर्टीज। आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इससे अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि आखिरकार बीटा फंक्शन एंड गामा फंक्शन में क्या रिलेशन होता है। मिलेंगे उस वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर।